नमस्कार, आप सबका हेल्थ मीटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झाड़ू के बारे में। झाड़ू एक बहुत ही मामूली चीज़ है, रोज़ाना ज़िंदगी में साफ़ सफाई के काम आता है, पर झाड़ू से कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। और कल जैसे शनिवार है, कड़ा वार है, कल अगर झाड़ू का उपाय किया जाए तो किसी भी प्रकार की अगर आप पर समस्या है, धन से रिलेटेड, कर्जे से रिलेटेड, आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अगर आप भी ये गलतियाँ करते हैं झाड़ू को लेकर, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, आप कर्जे में डूब सकते हैं। आज मैं उन सभी बातों को बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी कि झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए और झाड़ू को किस कब यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से आप उपाय करें कि आप धनवान हो जाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी का रूप है, इसलिए उसे कभी भी खुली जगह पर ना रखें। जहाँ तक संभव हो ऐसी जगह रखें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। संभव हो तो इसे पश्चिम दिशा या घर के पीछे रखें, जो घर के सबसे पीछे है। घर में घुसते ही बिल्कुल सामने झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। और भोजन कक्ष में भी झाड़ू ना रखें, इससे घर का अनाज जल्दी ख़त्म हो सकता है और परिवार के सदस्यों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। झाड़ू को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, ये भी बात आप ध्यान में रखिए। और झाड़ू को कभी खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए। कुछ ये मामूली बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। अगर ये गलतियां आप भी करते हैं तो आपके घर भी अचानक से समस्याएं आ सकती हैं, धन से रिलेटेड और हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। झाड़ू को कभी छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को छत पर रखने से घर में चोरी होने की संभावना होती है। झाड़ू कभी भी संध्या के समय नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने का सही समय होता है सुबह के 4 पहर। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है कि पुराने समय से ये बातें चली आ रही हैं। पुराने समय में लाइट नहीं होती थी, इसलिए कहा जाता था कि दिन के उजाले में झाड़ू लगाना चाहिए, कि अगर कोई आपकी कीमती चीज़ नीचे गिरी भी है तो आपको शाम के समय नज़र नहीं आएगी और गंदगी भी रह जाएगी। और शाम के समय सब घर पर होते हैं, मिट्टी उड़ेगी तो उनके बीमार पड़ने का डर होता है। पर इसके साथ साथ शाम को झाड़ू लगाना एक वास्तु दोष भी माना जाता है। अगर धार्मिक नज़रिए से देखें तो सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अपशकुन माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सफाई के साथ हम लक्ष्मी को भी घर से बाहर कर देते हैं, जो उनका अपमान है, और इसलिए लक्ष्मी रूठकर उस घर से चली जाती है। इसके अलावा झाड़ू पर पैर रखना भी लक्ष्मी का अपमान और दरिद्रता को न्योता देना माना जाता है। इसलिए कभी भी झाड़ू को पैर से ठोकर नहीं मारें। आप झाड़ू को नहीं मार, लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं, ऐसी मान्यता है। और ऐसा देखा भी गया है, जिन घरों में झाड़ू को ठोकर मारी जाती है वहाँ अचानक से धन की हानि होने लगती है और वो घर दरिद्रता में डूब जाता है। झाड़ू से रिलेटेड हज़ारों उपाय हैं, लेकिन आज मैं वीडियो में आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे रात के समय घर के दरवाजे पर झाड़ू रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखें कि ऐसा सिर्फ रात में ही हो। दिन के समय झाड़ू नज़र ना पड़ने वाली जगह पर ही रखें और सुबह सवेरे उठते ही घर के मुख्य दरवाजे पर पानी का छिड़काव करें। कहते हैं जिस घर में सफाई होती है उस पर हमेशा शनि देव की कृपा होती है और वह मुसीबतों से बचा रहता है। पुराना झाड़ू हटाकर नया निकालने के लिए शनिवार का दिन चुनें। मैंने आज की वीडियो में स्पेशली बोला है कि अगर आपको झाड़ू बदलना है तो कड़े वार पर ही बदलें। कड़े वार होते हैं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इन्हीं 3 दिनों में आपको झाड़ू घर लाना चाहिए और अपना झाड़ू बदलना चाहिए। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो कभी भी पुराना झाड़ू नहीं लेकर जाएं, वो दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है और आपका बहुत नुकसान हो सकता है। हमेशा नए घर में नए झाड़ू के साथ ही प्रवेश करें। आज जो सबसे मेन उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि जब भी नया झाड़ू लें तो उसे अपने घर के मंदिर पर सबसे पहले
उस झाड़ू से सफाई करें, उसके बाद अपने घर में करें। अगर आपके घर में पूजा स्थान नहीं है तो पास, घर के पास किसी भी मंदिर में उस झाड़ू को पहले आप उस झाड़ू से सफाई कीजिए, फिर उसको घर पर लाइए। अगर आप मंदिर से पुराना झाड़ू घर ले आएँ, जो मंदिर में जिससे झाड़ू लगाया जाता है, सफाई की जाती है, अगर वो झाड़ू आप अपने घर में ले आएँ तो वो आपके घर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उन्हें अब नया झाड़ू देकर या फिर पैसे देकर आप उनका पुराना झाड़ू मंदिर से ले आइए, तो आप देखेंगे कि वो आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। उसके साथ सफाई करने से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी और माँ लक्ष्मी हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगी। एक बात मैं और बताना चाहूँगी, गाय या किसी भी जानवर या घर के सदस्यों को भी झाड़ू से मारना परिवार के लिए परेशानियां पैदा करता है। साथ ही ध्यान रखें कि टूटी हुई झाड़ू से सफाई ना करें, ऐसा करना भी कई परेशानियों को आमंत्रित करता है और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे। एक बात बहुत ज़रूरी है कि घर के सदस्यों के बाहर जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से वो जिस भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं उसमें बाधाएं आती हैं और पूरी नहीं होती, और उनके घर से जाते वक्त भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। या तो उनके जाने के 2 घंटे बाद झाड़ू लगे या फिर सुबह सुबह झाड़ू लग जाए। उनके जाते हुए झाड़ू नहीं लगना चाहिए और उनके जाने के तुरंत बाद भी झाड़ू नहीं लगना चाहिए। और झाड़ू को अगर आप खड़ा करके रखते हैं तो ध्यान दीजिए, ऐसा करना दुश्मनों का बढ़ावा देना है। इसके अलावा नए घर में प्रवेश करते हुए भी मैंने बताया है, कभी भी पुराना झाड़ू नहीं लेकर जाएं, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जाएगी नए घर में। सपने में झाड़ू देखने का मतलब होता है आपकी आर्थिक नुकसान होना। बहुत ज़्यादा समय से उपयोग में नहीं आ रही पुरानी झाड़ू को घर में ना रखें। जब भी नई झाड़ू उपयोग में लानी हो तो शनिवार से ही उसका उपयोग करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें। झाड़ू दान करने में इन बातों का ध्यान रखें, मंदिर में झाड़ू दान करने के पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग त्यौहार हो तो इस दान की महत्ता बढ़ जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी ये काम करना हो उसके 1 दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेने चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें थीं कि जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार ली तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आपके धन में वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, और अगर आपकी कुंडली से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देंगे और आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएं, हमेशा नई वीडियो देख पाएं। तो मैं इसी तरह मिलती रहूँगी नई वीडियोस के साथ। नमस्कार, गुड बाय।